मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप सब कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज है महाशिवरात्रि एंड घड़ी में बज रहे हैं, आ रहा है 12। तो 12 बजे से पहले मैं सोच रही थी पूजा कर लूंगी, मगर 12 बजे तक मैं घर पर पूजा करने वाली हूँ। लेट हो गया है आज, यूजुअली मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, बट आज शिवरात्रि है तो मैं भी पूजा करने वाली हूँ। सो यहाँ है मेरे शिव जी जो बैठे हुए हैं, इसको मैं अच्छे से नहलाकर धुलाकर फिर मैं पूजा करने वाली हूँ। एंड उसके बाद बहुत सारे जन उपवास करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, बट मैं ओनली फ्रूट्स के साथ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ा एसिडिटी टाइप हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज प्रॉपर मेरा लंच जो है पूरी दाल एंड चटनी बनाने वाली हूँ। वो भी मैं जहाँ पे स्कूटी सीखने जा रही थी वहाँ पे ना कूल का मतलब बोर का ना झाड़ है, तो वो बोर के झाड़ से ना हमने कुछ बोर उठा के लाए, मतलब तोड़ के लाए हैं। उसका मैं आज चटनी बनाने वाली हूँ और वो ना औसम लगता है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं अपने शिव जी का पूजा कैसे क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साफ कर लेती हूँ, साफ करने के बाद मैं अपने शिव जी का यहाँ पे पूजा करने वाली हूँ ये टेबल पे। सो ये टेबल भी मैं क्लीन करके लेने वाली हूँ, फिर मैं अपने शिव जी को कैसे क्या नहलाती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अभी के लिए मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं सजाने वाली हूँ अपनी शिव जी को। एंड यहाँ पे मैंने रख दी हूँ शिव जी को। यहाँ पे फर्स्ट मैं नहलाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने दूध दही घी मधु हनी एंड गंगा जल भी ले ली हूँ, क्योंकि मैंने ना अपने मतलब शादी से पहले मैंने बहुत बार निर्जल उपवास की थी, तो उसमें मैंने देखी थी दूध घी गंगा जल दही सब कुछ देते, तो मैं भी देने वाली हूँ अभी। पहले इसी से मैं नहलाने वाली हूँ, फिर उसका चंद्रमित्र बनाने वाली हूँ। एंड ये जो शिव जी का प्यारा सा फेवरेट सा फूल जो हमेशा शिव जी लेते हैं, शिव जी को पसंद है, मुझे बचपन से यही बताया गया है। तो जैसा मिला वैसे ले लिया है, बेल पत्ता एंड ये बेल फूल सब दो दो करके लेकर आए हैं। इसके बाद मंदिर जाना है। एक्चुअली मुझे तो घर में पूजा करके मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि घर पे पूजा करते हैं ना तो सब कुछ हम लोग अच्छे से दे सकते हैं और पूजा भी होता है, और मंदिर में जाते हैं ना अभी फ्लावर देंगे और कोई आपको उसे हटा देता है तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मतलब पूजा पूरा होता ही नहीं है उसके पहले ही सब लोग हटाने लग जाते हैं, तो मुझे इसीलिए घर पे पूजा करना बहुत पसंद है। शिवरात्रि में मोस्टली बेलपत्ता बहुत कम मिलता है, मगर इस बार जो बेलपत्ता मिला इतना सारा रियली शॉकिंग है। कितने रुपए का ये बेलपत्ता? बेलपत्ता फूल के साथ दिया है, बेलपत्ता के साथ बेल भी है। हाँ इधर भी एक है बेलपत्ता के साथ बेल भी है, ये बहुत कम मिलता है। बहुत सारा बेलपत्ता है, इतना बेलपत्ता मतलब शिवरात्रि के दिन बेलपत्ते का बहुत कमी हो जाता है और बहुत चार्ज करते हैं, बट इस बार बेलपत्ता बहुत सारा है। सो सबसे पहले ये घी देंगे, ये घी मैं शाशाशाही देने वाली हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे फिर इसमें हनी, फिर अभी हनी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसमें दूध, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब अच्छे से नहलाकर हो गया है, अब जो ये पानी है मैं निकाल कर साइड में मतलब एक झाड़ पे और थोड़ा सा चंद्रमित्र के लिए घर पे रख दूंगी।
ओम नमः शिवाय, 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 बोलिए, ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम नमः शिवाय सो पूजा हो गया है। अब पेट पूजा का भी तैयारी करना चाहिए। सो मैंने आपको पहले बोल दी हूँ कि मैंने जो वो जो मेरे हस्बैंड ने झाड़ से तोड़े थे उसका मैं चटनी बनाने वाली हूँ एंड पूरी। आज के दिन पूरी खाना ठीक है तो आज मैं पूरी बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैं मैदे का पूरी जो बंगालीज में बहुत अच्छा लगता है सो मैं मैदे का ही पूरी बनाने वाली हूँ। आई नो इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ हेल्दी बट कभी कभार के लिए चलता है। सो सबसे पहले मैंने आटा को गून ली हूँ मैदे को सॉरी। उसके बाद मैंने दाल को भी बॉईल करके रख दी हूँ एंड पनीर लाया है तो पनीर का मैं क्या करूँगी सोच रही हूँ। आलू पनीर बना दूंगी एंड साथ में चटनी चेरी ऑन द टॉप। साथ में कल मेरी फ्रेंड ने ना ये आम का जो पपड़ी रहता है ना ये मुझे दिया है एक्चुअली मैं बहुत सारे। सो ये भी मैं चटनी में यूज़ करने वाली हूँ और मैं ये फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ तो देखती हूँ कैसे क्या टेस्ट आता है। तो सबसे पहले मैं आटा अच्छे से मैदा अच्छे से गून लेती हूँ एंड मैं हाफ प्रिपरेशन करके फिर जाने वाली हूँ। मतलब मैदा है ये मैं अच्छे से गून लूँगी इसका मैं आके पूरी बनाऊँगी एंड सब्जी वगैरह वो मैं अभी बना लूँगी। सो पूजा होने के बाद आटा गूंथकर भी हो गया है एंड अब मैं सबसे पहले सुब्रतो को दूध एंड ये हॉर्लिक्स दे देती हूँ एंड साथ में मेरे हस्बैंड को भी। एंड ये सुब्रतो का गेटअप इसका। तो दाल रेडी है एंड यहाँ पे जो कूल का बोर का चटनी वो भी रेडी है। अब हम जाते हैं मंदिर एंड मंदिर में पूजा करके आते का लंच रेडी है एंड अब बज रहा है ऑलमोस्ट 4 बजने आएंगे 3:30 बजे। तो अब हम लंच कर रहे हैं मंदिर में थोड़ा लेट हो गया है तो खाने के बाद मिलते हैं हमते इवनिंग। सो अब हम जा रहे हैं हमारे फ्रेंड के घर पे। ऐसे अचानक से चाय टी प्लान मतलब टी पार्टी प्लान हो गया है। सो अब हम निकल रहे हैं एंड फिर वहाँ पे जाके मिल रहे हैं। सो मैं आई हूँ पूनम के घर पे एंड ये रोशनी आई है। रोशनी एक्चुअली मैं अचानक से प्लान की उसे वो कभी पूनम के घर पे आई नहीं है सो इसीलिए हम लोग दोनों मिलकर चले आए एंड यहाँ पे रोशनी ने पूरी एंड सब्जी लाई है अंशु के लिए। सिर्फ अंशु के लिए हमारे लिए नहीं एंड यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे बाप रे गद्दी में पूरा चलो अच्छे से एंजॉय करो। मेरे घर पे सब लोग आए हैं पार्टी करने। सरप्राइज दिया है मुझे टी पार्टी के लिए इससे करवाए हैं हमने। मुझे बहुत अच्छा लगा और इसने ना बहुत कुछ मंगवाया बाहर से भी घर का भी बहुत कुछ खिला रहे हैं। हम लोग खा के ना परेशान हो गए अब रात को जाके हम कुछ नहीं खा सकते और देखो इतना सारा खाना अभी भी दे रही है खाना कम्प्लीट कर। आ जाइए खाने के लिए।
साथ यहाँ पे नाश्ता है एंड नाश्ते में है ग्रिल सैंडविच एंड साथ में वेज फ्रैंकी एंड हम लोग एंजॉय कर रहे हैं सब नाश्ते को। ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।